25 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां कर ली है पंचकुला जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग ने बताया कि बढ़ती गर्मी के मद्देनजर रखते हुए पानी और ओआरएस की व्यवस्था भी की गई है उन्होंने बताया कि कल पोलिंग पार्टी सेंटर से डिस्पैच होगी जो जाकर मतदान केंद्र स्थापित करेगी हरियाणा से लगती पंजाब हिमाचल और चंडीगढ़ सीमा पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए इस बारे में पंचकूला जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने 25 मई को होने वाले मतदान के लिए पंचकुला प्रशासन ने क्या इंतजाम किए है हैं इस मेरे साथ हैं पंचकुला जिला निर्वाचन अधिकारी यशगर्ग इनसे जानते हैं कि उन्होंने चुनाव के लिए क्या इंतजाम किए हैं जी जी देखिए पंचकुला प्रशासन ने आने वाली 25 तारीख को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए पूरी तैयारियां हमारी हो गई हैं और अब अंतिम चरण में हैं Uh, कल जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं वो डिस्पैच होंगी सेंटर से और वो अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाके पोलिंग बूथ को इस्टेबलिश करेंगी जितनी भी मशीन्स थी सबकी कमिश्निंग भी पूरे तौर पे हो चुकी है जो वोटर स्लिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बी द्वारा किया जा, जा चुका है अब की बार जैसे कि गर्मी काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए भी विशेष इंतज़ाम किए गए हैं हर सेक्टर ऑफिसर के साथ में एक पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है कि यदि कोई भी ऐसी घटना होती है ताकि तुरंत उनको मेडिकल सहायता दी जा सके इसके अतिरिक्त तो एम्बुलेंसेज की स्टेशनिंग भी विभिन्न पॉइंट्स पे रहेगी ताकि यदि ज़रूरत पड़ी तो एम्बुलेंस भी किसी भी पोलिंग बूथ पर दस मिनट के अंदर अंदर पहुँच जाए इसके अतिरिक्त पोलिंग बूथ पर शेड की पानी की व्यवस्था ओ के पैकेट की व्यवस्था भी करी गई है कि यदि किसी भी प्रकार की गर्मी की वजह से किसी भी वोटर को मतदाता को कोई परेशानी होती है तो वो वहीं की वहीं हैंडल हो सके घर सब अगर कोई हैंडी है या हार्ट पेशेंट है गर्मी के दिन है उसके लिए कोई आपने स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि मतदान जो है ठीक से रहे और चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो चाहे हैंडीकैप हो अच्छे से अपना मतदान कर सके जी देखिए इस विषय में जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं वो भी बड़े क्लियर हैं यदि कोई भी बुज़ुर्ग व्यक्ति इनफर्म व्यक्ति कोई भी ऐसी महिला जो बच्चे के साथ हो तो ये दिशा निर्देश ये कहते हैं कि उनको एक तो प्रायोरिटी पे मतदान कराया जाए और जैसे मैंने पहले भी कहा हमने एम्बुलेंसेस की व्यवस्था भी अलग अलग स्थानों पे हमारी रहेगी हर एम्बुलेंस जो है हमारी आठ से दस पोलिंग बूथ कवर करेगी हर सेक्टर ऑफिसर के साथ भी एक पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा कि यदि कोई भी परेशानी आती है तो ऐसे ऐसे बददातों को तुरंत अटेंड किया जा सके गर्ट सब पंचकुला के साथ तीन सीमाएं लगती हैं पंजाब चंडीगढ़ और हिमाचल की सुरक्षा के प्रशासन ने क्या इंतज़ाम किए हैं देखिए हमारे ज़िले के साथ जैसे आपने सही बताया कि तीन सीमाएं लगती हैं चंडीगढ़ की भी पंजाब की भी हिमाचल की भी तो जो भी सीमावर्ती ज़िले के अधिकारी हैं पुलिस अधिकारी हैं या सिविल के अधिकारी हैं सबके साथ समन्वय करके जो हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं वो सारे उस दिन सब पे नाके रहेंगे यदि कोई भी व्हीकल या व्यक्ति उस दिन एंट्री करता है तो उसको पूरी पूछताछ के उपरांत और संतोषजनक पाए जाने के बाद ही पंचकूला में प्रवेश करने दिया जाएगा ये थे मेरे साथ पंचकूला जिला निर्वाचन अधिकारी यशगर्ग इन्होंने बताया कि मतदान के लिए पंचकुला प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं अनिल कुमार टोटल न्यूज़ पंचकुला